पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के मातहत चलाए जाने वाले इदारों में लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल जमात दुअम की मौलिमा ताहिरा असलम बुलारी। मैं आज आपको मजमून रियाजी में बातों बातों में जमा। तो बच्चों आज हम ये सबक पढ़ेंगे बातों बातों में जमा। तो बच्चों हम खेल खेल में बातें करते हैं ना, वैसे हम बातों बातों में जमा करेंगे। तो आओ आज आप लोग मेरे साथ ये सबक हल करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या सवाल लिखा हुआ है। अकबर ने बादाम के 14 दरख्त और अमरूद के 21 दरख्त लगाए, तो बताओ उसने कुल कितने दरख्त लगाए। तो बच्चों सबसे पहले हमें सवाल अच्छे से पढ़ना है। कुल, कुल का मतलब होता है जमा करना, कुल यानी मिलाना। तो देखो बच्चों हमें क्या करना है, जमा करना है बादाम के दरख्त और अमरूद के दरख्त। कितने दरख्त है हमें जमा करना है। सबसे पहले हम बादाम के दरख्त, बादाम के कितने दरख्त है बच्चों, 14। 14 कौन से दरख्त है, बादाम के दरख्त। और अमरूद के कितने दरख्त है बच्चों, देखो यहाँ पे 21। 21 कौन से दरख्त है, अमरूद के दरख्त है। तो बच्चों 14 में ये जो है अदद है हमारा कौन से मुकाम पर है, हम ये देखेंगे पहले। ये जो 4 है हमारा कौन से मुकाम पर है, इकाई के मुकाम पर, और ये जो है 1 दहाई के मुकाम पर। तो हम इसे लिखेंगे 1 दहाई 4 इकाई। और ऐसे ही देखो बच्चों यहाँ पर 21 है, 21 में 2 कौन से मुकाम पर है, दहाई, और 1 जो है इकाई। 2 दहाई 1 इकाई, 2 दहाई 1 इकाई। हमें क्या करना है, जमा करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 4 और 1 को हमें जमा करना है। 4 उंगलियां निकालेंगे और 1 उंगली निकालेंगे। सब लोग अपनी अपनी उंगलियां निकालो, 4 और ये 1 उंगली। तो चलो हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और ये 1 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। देखो बच्चों यहाँ पर कितना दर है, 1, और यहाँ पर 2, हमें 1 उंगली निकालना है और फिर 2 उंगलियां निकालना है। देखो 2 के बाद कौन सा दर आता है, 3। हमारा जवाब क्या आ गया, 35। 3 दहाई 5 इकाई, हमारे कुल दरख्त कितने हो गए, 35। ये हमारा जवाब है कुल दरख्त 35। इसी तरह से बच्चों देखो यहाँ पे सवाल है, आमिर के पास 15 गुब्बारे हैं और मारिया के पास 21 गुब्बारे हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने गुब्बारे हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर गुब्बारे देखना है, कितने गुब्बारे हैं। आमिर के पास कितने गुब्बारे हैं बच्चों, 15। कितने गुब्बारे हैं, 15। और यहाँ पर मारिया के पास कितने गुब्बारे हैं, 21। 2 दहाई 1 इकाई। तो हमें क्या करना है, इन्हें दहाई और इकाई में लिखना है। ये देखो ये क्या है और ये क्या है, सबसे पहले हम इसे देखेंगे। ये जो है 1 हमारा दहाई है और 5 इकाई है, 1 दहाई 5 इकाई और 2 दहाई 1 इकाई। इसे हमें क्या करना है, जमा करना है। तो देखो बच्चों 5 और 1, 5 के बाद कौन सा अंक आता है, 5 में 1 मिलाने के बाद कौन सा अंक मिलता है हमें, 6। और 1 में 2 मिलाने के बाद, 2 में 1 मिलाने के बाद कौन सा अंक मिलता है, हम 1 में 2 मिलाएंगे भी तो हमारा जवाब 3 आता है, और 2 में 1 मिलाएंगे तो भी हमारा जवाब 3 आता है। देखो बच्चों मारिया और अमित के पास के दोनों मिलाकर कितने गुब्बारे हो गए, 36। क्या जवाब आया हमारा, कुल गुब्बारे 3 दहाई 6 इकाई, 36। इसी तरह से बच्चों अलमारी में 24 सिक्स
किताबें थी उसमें 12 किताबें और रखी गई, तो बताओ अलमारी में कुल कितनी किताबें हुई। हमें क्या करना है, किताबों को जमा करना है। देखो पहले कितनी किताबें थी, पहले से अलमारी में 24 किताबें थी, 24 किताबें, और उसमें कितनी किताबें रखी गई, 14, देखो बच्चों 24 और 12 हमें जमा करना है। दो कौन सा धन है बोलो, दो हमारा है दहाई और चार क्या है इकाई, दो ढाई चार इकाई, और ये कौन सा धन है, एक ढाई दो इकाई, देखो एक ढाई दो इकाई, इसे हमें क्या करना है जमा करना है। तो उसी तरह से देखो बच्चों, चार में दो मिलाना है हमें, चार के बाद हमें दो मिलाना है, तो चार के बाद दो मिलाएंगे तो कौन सा आ जाता है, चार के बाद पांच छह, क्या जवाब आया छह, दो में एक मिलाना है, क्या जवाब आया तीन, तो यहाँ भी हमारा जवाब क्या आ रहा है 36। कितनी किताबें हो गई कुल मिलाकर 36 पूरी किताबें। तो बच्चों इसी तरह से हमारे ये जो सवाल थे हमने हल किए, तो हमने देखो अकबर ने बादाम के कितने दरख लगाए थे, 14 दरख लगाए, और अमरूद के 21 दरख लगाए, तो हमें क्या करना था देखो, कुल मिलाकर हमें क्या करना था जमा करना था। तो देखो 14 बादाम के दरख, 21 अमरूद के दरख, तो कुल मिलाकर हमारे कितने दरख हो गए 35। 35 में 3 कौन से मुकाम पर है, ढाई के मुकाम पर, और 5 कौन से मुकाम पर है, इकाई के मुकाम पर, 3 ढाई 5 इकाई। उसी तरह से यहाँ पर क्या सवाल है बच्चों, अमीर के पास 15 गुब्बारे हैं और मारिया के पास 21 गुब्बारे हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने गुब्बारे हैं। तो देखो हमने ये भी सवाल ढाई और इकाई में तब्दील करके लिखा, एक ढाई 5 इकाई, दो ढाई और एक इकाई, 5 में 1 मिलाने पर जवाब 6 आया, 1 में 2 मिलाने पर 3 आया, इसी तरह से हमारे कुल कितने गुब्बारे हो गए 36, 3 ढाई 6 इकाई। इसी तरह से देखो बच्चों यहाँ पर अलमारी में 24 किताबें थी और उसमें 12 किताबें और हमने रख दिए, क्या किए हमने अलमारी वापस, अलमारी में 12 किताबें वापस रख दिए, ज्यादा कर दिए, तो हमारे हमको क्या करना था, कुल मिलाकर जमा करना था। तो देखो दो ढाई 4 इकाई, एक ढाई 2 इकाई, इसको हमने क्या किए, इसे भी जमा का अमल किए, तो देखो 4 और 2 6, 2 और 1 3, हमने देखो हमारा जवाब क्या हो गया, कुल मिलाकर 36 किताबें। तो बच्चों ये क्या है, बातों बातों में जमा, हमें मिलाना है, कुल करना मिलाना, इसे कौन सा अमल कहते हैं, जमा का अमल कहते हैं। तो बच्चों इसी तरह से जो हमारे सफा नंबर 26 पर और सवाल